हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? सफाई हो पछंगे। मेरा नाम है आरबी अदोरम भाई, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज हम बताने वाले शादी के कार्ड को कुछ इस तरह का डिजाइनिंग करने वाले जो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको इसको डिजाइनिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, और उसमें आपको PLP फाइल जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्क्रीन पर पोस्टर दिया हुआ है, इसका आपको PLP फाइल देखने को मिलेगा। और PLP फाइल आपको कैसे डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड वीडियो में आपको दो स्टेप में देखने को मिलेगा। आपको पूरा वीडियो देख कर आपको पासवर्ड अनजिप करके PLP फाइल को ऐड कैसे करना पिक्सेल एप्लीकेशन में आपको मैं बता देता हूं। तो पहले आपको पिक्सेल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो पिक्सेल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करोगे तो यहां पर पहले आपको ओपन करना न्यू टेस्ट देगा, इसको आपको डिलीट करना है। यहाँ पर डिलीट कर लेने के बाद आपको जो मैंने फाइल दिया है आपको ऐड करने के लिए, उसमें PLP फाइल कैसे ऐड करनी पिक्सेल एप्लीकेशन में, तो आपको ऐड करने के लिए आपको पिक्सेल एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पर 3 आइकन देखने को मिल रहा है ऊपर कोने में, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देगा आपको ओपन PLP फाइल, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डाउनलोड करने के लिए, उसको ऐड करना है इसमें। तो इसमें ऐड करने के लिए ओपन PLP फाइल पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने शादी विवाह का पोस्टर दिया हुआ है, इसको मैं आप PLP फाइल दिया है, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा मेरा प्रोजेक्ट है। तो आपको मैं प्रोजेक्ट आपको मैं जो आपको मैं बताया हूँ कि शादी वाला, उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए .PLP का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना, जहाँ भी फाइल को अनजिप करके रखे हो पूरा वीडियो देखकर पासवर्ड को जान के, ठीक है। उसके बाद आपको 3 पे क्लिक करना है और नीचे अपने आपको फाइल मैनेजर में आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे जाना, जहाँ भी फाइल को अनजिप करके रखे हो उस फाइल में जाना। तैसे आपका शादी कार्ड पोस्टर है, उस फाइल का नाम है शादी कार्ड पोस्टर 2021 पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको PLP फाइल देखने को मिलेगा। PLP फाइल को ओपन करोगे, सॉरी दो बार टैप हो गया था, PLP फाइल ओपन करोगे तो यहाँ पर लेगा ओपन एंड ऐड पे क्लिक करना है। और ओपन एंड ऐड पे क्लिक करके बाद एक ऑप्शन देगा, ओके ओके कर देना है, और एक बार बैक का ऑप्शन क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह का आपको पोस्टर का आपको मैंने शादी का कार्ड का कुछ इस तरह का पोस्टर डिजाइनिंग देखने को मिल रहा है। अब इसमें आपको डिजाइनिंग कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले हर चीज़ को अनजिप करना है। जैसे मैं यहाँ पर अनजिप करने के लिए डुओ का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जितना चीज़ मैंने यहाँ पर दिया सबको आपको अनलॉक करना है, यानी जितना चीज़ रेड का आपको आइकन लॉक नज़र आ रहा है वो सारे के सारे को इसको अनलॉक करना है। तो हम फटाफट इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो जितना चीज़ हम लॉक कर रहे हैं, आपको जो चीज़ चेंज करना वही चीज़ को अनलॉक करना है, यानी आपको इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी इधर उधर का इधर उधर होता रहेगा, ठीक है। तो लॉक रहेगा तो आपको लिए बहुत ही बेहतरीन देखने को हो जाएगा। तो हम उतना चीज़ अनलॉक करेंगे जितना हमको चेंज करना है। तो इसके लिए चेंज करने के लिए हम बताएंगे आपको ऑल मटेरियल चीज़ कैसे चेंज करेंगे, और कैसे यहाँ का कुछ और भी चीज़ को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम हर चीज़ को यहाँ पर अनलॉक कर चुके हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसको डुओ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर मैं बता दूँ, पहले में आप चाहिए ची रंजन राजन कुमार लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर उनके पिता माता जी का नाम लिखा है। तो पहले ची रंजन पे क्लिक करना है, इस पर दो बार टैग करोगे। यहाँ पर हिंदी फॉन्ट है, ठीक है, इसमें कोई यूनिकोड का फॉन्ट मैंने उपयोग नहीं किया है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर यूनिकोड वाला फॉन्ट आपको लिए बहुत ही बेहतरीन, जिसके पास यूनिकोड नहीं है तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैंने नॉर्मल फॉन्ट दिया, हिंदी फॉन्ट दिया। अगर ये सब फॉन्ट आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का ज्वाइनिंग कर लीजिए, नीचे टेलीग्राम का नंबर यानी लिंक दे दिया हूँ। तो यहाँ पर ची रंजन लिखा, राजन कुमार लिखा है, तो इसको चेंज कर सकते हो, यानी सारा सारा आपको यहाँ पर टाइप करके डिलीट करके जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब इसके नीचे हम आ जाते हैं, इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ तो समय इस फोटो को आप चेंज कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। अब फोटो को मैं इधर कर दे रहता हूँ, अगर इसको लॉक रहेगा तो ये नहीं होगा, यानी लॉक रहेगा तो आपका जहाँ है वहीं रहेगा, इसको ऐड नहीं कर पाओगे, तो उसको अनलॉक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इनका पुत्र, ठीक है। जैसे मैंने पुत्र लिखा श्रीमती साधना देवी एवं गणेश कुमार, ठीक है, ग्राम मधियापुर बीटी और सजनवा गोरखपुर। आप इसे चेंज करके अपने घर का पता लिख सकते हो, जहाँ शादी जिसका है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुभ विवाह है, ये भी एक फॉन्ट है, ठीक है, आप इसे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर दिसंबर यानी आपका विवाह का दिन को चेंज कर सकते हो, जो भी दिन आपको देखने को मिलेगा। अब नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पर अस्थाई पता मैंने लिखा है, नोट हमारे बारात निवास स्थान माध्यम से निजी वाहन द्वारा अपराहन 2 बजे से ग्राम पोस्ट समयनाथा भीटी गोला बाजार गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेगी, ठीक है। अब इसी तरह से हर चीज़ चेंज कर सकते हो, यहाँ पर मैंने बताया ना, यानी A to Z चीज़ चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो चीज़ आप लिखना चाहते हो वो सारे के सारे यहाँ पर लिख सकते हो।
तो मैं बता, यहाँ पर लड़की का है, लड़की का भी चेंज कर सकते हो। तो इसमें देखना है, अगर अनलॉक ना हो यानी लॉक हो तो उसको अनलॉक कर लेना, ठीक है। जो भी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसको लॉक अगर ना रहता हो, सॉरी एक बार हमसे बैक हो गया, तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो हम फिर से उसी वाला ऑप्शन को क्लिक करके इसको सही कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आपको हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने बताया ना हर चीज़, यानी आपको कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर हमारा आपको पीएचपी वाइल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, और आने वाले लेते वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद आपको सेव कैसे करना है, ऊपर आपको सेव का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है और सेव एन इमेज सेलेक्ट करना है, और नीचे आपको क्वालिटी पूछेगा, क्वालिटी आपको यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर नीचे आपको अल्ट्रा का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करके सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना है।